ये पहुंच गए भाई, हम ले लेते हैं अपने सेल्फी स्टिक के। मुकेश दानू नाम से होगा। ठीक है, वो दिक्कत आने के रिटर्न हो जाए। ये सेल्फी स्टिक मिल गई मुझे, इसका मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा। अब इसका यूज करने वाला हूँ मैं, देखता हूँ कैसा काम करता है। ये देख रहे हैं आप, ये हमारी MI की सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड। इसमें सेल्फी स्टिक के साथ साथ एक ट्राईपॉड भी है इसके बॉटम पे, और इसमें ब्लूटूथ भी काम करता है। मैं आपको अभी यहाँ पर लगा के दिखाऊँगा, तो उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एक्सेसरी बॉक्स में दिया हुआ है हमको ब्लूटूथ का बटन, शटर बटन है ये। आप इसको अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फ़ोन के साथ फोटोग्राफी वगैरह में काम आएगा आपके, या फिर आप दूर से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। और यहाँ के इसके टॉप में चार्जिंग का पोर्ट भी दिया हुआ है। इसमें USB केबल दिया नहीं हुआ है, इसमें आपको USB केबल खुद से अपने फ़ोन वगैरह का चार्ज यूज कर सकते हैं आप। और ये है इसकी मैनुअल, इसमें दिखाया हुआ है कि इसको हम कैसे सेल्फी स्टिक और एज ए ट्राइपॉड यूज कर सकते हैं। इसका जो सेल्फी हेड है ये 360 डिग्री रोटेशन करता है। तो ये है हमारा मेन सेल्फी स्टिक। यहाँ पे फोम जैसा लग रहा है कुछ, ये काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक है इस वाले एरिया में, और साथ में इसके बॉटम में ट्राईपॉड दिया हुआ है। नॉर्मल दिखने पे तो ये सिर्फ एक हैंडल की तरह लगता है, बट आप इसे ओपन करेंगे तो ये ट्राईपॉड बन जाता है। और इसका ये हेड है सेल्फी स्टिक का। इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, और अगर आप इसे खोलेंगे कंप्लीट ये एक्सटेंड जाता है। और इसका ग्रिप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसका जो बेस है रबर का बना हुआ है, तो काफ़ी ग्रिप अच्छी आएगी इसमें। और यहाँ पे इसका लगेगा ब्लूटूथ का डिटेचेबल बटन, इसको अंदर फिट कर लिया। और साथ में इसका जो हेड है ये रोटेट भी करता है, इसको आप लेफ्ट राइट घुमा के ऐसे। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लगता है ये। और अगर इस सेल्फी स्टिक को आपको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, तो इस बटन को होल्ड कीजिए तो ये ब्लिंक करने लगेगा। अभी आपको लाइट दिखी होगी, इसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कर लूँगा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस है इसकी XMZP, जिसको इसके अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अपने बॉक्स में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया होगा प्रोडक्ट मॉडल में आपको दिख रहा होगा XMZ लिखा होगा, तो वही इसका भी लिंक है, ब्लूटूथ का नेम ही वही है इसका। एज इनपुट डिवाइस कनेक्ट हो गया है। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ कि ये लगता कैसा है फ़ोन के साथ, कैसे किस तरह से काम करता है। तो ये सेल्फी स्टिक है मेरे पास, इसको इसकी लेंथ इतनी है बस, आप इसको गैस कर सकते हैं, मेरी कोहनी से कुछ ज़्यादा है ये, ज़रा सा देख रहे होंगे आप। और इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं फ़ोन को अटैच कर लेता हूँ इसमें, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये हेड घुमा लिया मैंने इसका, ये इस तरह से इसको अटैच कर लेता हूँ मैं इसे, इसको ज़रा सा स्ट्रेच कर लूँगा। इस तरह से आपको अपने फ़ोन को अटैच कर लेना, लेकिन ध्यान नहीं रखिएगा कि आपका कोई इससे बटन प्रेस नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इसका ये जो लॉक बटन है, इसको मैंने काफ़ी दूर रखा हुआ है, और जो इसका वॉल्यूम बटन है ये भी प्रेस नहीं हो रहा है अभी, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और इसकी लेंथ भाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इतना ये काफ़ी है। और गाइस इसके अलावा मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वीडियो का काम तो हो चुका है। ये मेरा मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट है, वो आपको मैं जल्दी ही मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करके दिखाऊंगा। अभी मैंने कुछ ट्रायल भी किए थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि विंड नॉइज इतना ज़्यादा आ रहा है कि ना मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और ना बाइक की, आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम दे दूँ और ज़्यादा इसको बेटर बना लूँ। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में अगर आपको कोई और वीडियो पसंद आए तो उसे भी देख लीजिए। और गाइस इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइबर की ज़रूरत काफ़ी पड़ रही है, क्योंकि व्यूज़ इतने आ नहीं पा रहे हैं।
तो बिना आप लोगों के हो नहीं पाएगा। तो और आप देख रहे होंगे अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और आया हुआ हूँ और काफ़ी अच्छी जगह है, देख रहे होंगे आप। लगता तो पार्क जैसा है बट एक्चुअल में ये किसी का घर है। मैं कहीं आया हुआ हूँ पिथौरागढ़ में, और अगर आपको यहाँ के मोटोलॉग्स भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।